हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिनमें व्यक्ति की मृत्यु के होने के बाद अंतिम संस्कार यानी 16वें संस्कार की क्रियाएं होती हैं। किसी इंसान के मरने के बाद उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है और दाह संस्कार किया जाता है। मृत व्यक्ति की शव यात्रा और अंतिम यात्रा में परिवार के सभी पुरुष शामिल होते हैं, लेकिन घर की महिलाओं को इस अंतिम क्रिया में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसमें महिलाएं दाह संस्कार में नहीं जाती हैं? तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में। ऐसा माना जाता है कि शमशान घाट पर हमेशा नकारात्मक ऊर्जा फैली होती है। महिलाओं के शमशान घाट जाने पर नकारात्मक ऊर्जा आसानी से उनके शरीर में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि स्त्रियां कोमल हृदय वाली होती हैं, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से उनके अंदर बीमारी फैलने की संभावना ज्यादा होती है। इसके पीछे एक और वजह बताई जाती है कि महिलाओं का मन कमजोर और कोमल होता है। शमशान में जो दृश्य होते हैं उसको देखकर वह अपने आप को विलाप करने से नहीं रोक पाती हैं, जिससे मृत आत्मा को भी दुख होने लगता है। इस कारण से भी महिलाओं का शमशान में जाने की पाबंदी है। इसके पीछे यह भी तर्क दिया जाता है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार में परिवार के सभी सदस्यों को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं और शव के जलते समय वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं और शरीर के कोमल हिस्सों में चिपक जाते हैं, इसलिए शमशान में बाल कटवाने के बाद स्नान किया जाता है, जबकि महिलाओं के मुंडन को शुभ नहीं माना जाता है। इसके पीछे एक और मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान घाट पर मृत आत्माएं भटकती रहती हैं। ऐसे में महिलाओं के शरीर में इन आत्माओं का प्रवेश होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इसलिए शमशान में महिलाओं के जाने पर पाबंदी होती है।